एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अड़तीस FIR, 84 गिरफ्तार। सत्रह सौ वीडियो से उपद्रवी होंगे बेनकाब। सीसीटीवी में हर आरोपी के चेहरे का रिकॉर्ड। गिलाल किले की वो तस्वीरें हैं जिन्होंने देश को शर्मसार किया। हिंदुस्तान किसान लाल किले पर उत्पात, दुनिया भर में सुर्खियां बना। बड़ी खबर यह है कि FSL की टीम ने लाल किला से बेहद अहम सुरागों को इकट्ठा किया है। FSL की टीम ने अंगुलियों के निशान, तोड़फोड़ के सबूत, पैरों के निशान के अलावा खून के सैंपल जमा किए हैं। जिन लोगों को देख रहे हैं, ये FSL की टीम है जो कि यहाँ पे फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। लोग जिस तरह से यहाँ से कूदे थे, आपने तस्वीरों में देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे क्रूशियल एविडेंस इन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिल सकते हैं। शू प्रिंट मिल सकते हैं या फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं, तमाम वो सबूत जिनके जरिए पहचान हो सकती है, उन सारे सबूतों को यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और एग्जिबिट को तैयार किया जा रहा है। एक एक दूरी नापी जा रही है, जहाँ भी तोड़फोड़ हुई है, जो भी चीज़ें टूटी हैं उसको नोट डाउन किया जा रहा है। कुल मिला इससे उन लोगों की पहचान की जाएगी जो 26 जनवरी की हिंसा में शामिल थे। ये सबूत अदालत में उपद्रवियों के खिलाफ काम आ सकते हैं। और वो सबूत दोषियों के खिलाफ कितने कारगर होते हैं, ये निर्भर करेगा कि अदालत में इन सबूतों के जरिए किन किन आरोपियों पर आरोप दायर किए जाते हैं या आरोप लगाए जाते हैं। दो टीमें सबूत इकट्ठा करने में लगी हैं। इन सारे सबूतों को इकट्ठा कर क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा। लाल किले की थ्योरली जांच की जा रही है, जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस हमें यहाँ मिलेंगे हम उनको कलेक्ट करके क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर रहे हैं फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा है यहाँ पे, और इस केस को बहुत जल्दी ही रिपोर्ट करा जाएगा। हमारी दो टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं इस टाइम पे। नहीं, जो भी चीज़ें तोड़फोड़ वाली जो चीज़ें मिल रही हैं वो हम हैंड ओवर करते जा रहे हैं। लेकिन FSL के लिए मुश्किलें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि लाल किले पर हिंसा बड़े पैमाने पर हुई। हिंसा करने वालों में कई राज्यों के लोग शामिल थे। सीसीटीवी तस्वीरों में कई चेहरे दर्ज हुए हैं, लेकिन इनकी पहचान आसान नहीं। दिल्ली पुलिस की टीम हिंसा फैलाने वालों की तलाश में जालंधर तक दबिश दे चुकी है। पुलिस ने 26 जनवरी को हुए दंगे में कुल 38 FIR दर्ज की हैं और 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में दर्ज 33 मुकदमों की जाँच की रणनीति में फेरबदल किया है। दिल्ली पुलिस ने 6 किसान नेताओं को पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। 3 दिन में किसान नेताओं को पेश होने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में किसान नेताओं समेत 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर चुकी है, जिससे वह विदेश ना भाग सके। वो हैरान होंगे आप, वो नोटिस देते हैं हमें 27 तारीख को, उसी सिलसिले में 26 को FIR होगी। 27 को नोटिस देके कहते हैं क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये 3 दिन के अंदर अंदर जवाब दो। कार्रवाई तो पहले हो गई। जो आदमी जिस जिसके खिलाफ एविडेंस आएगी वो सारे के सारे इसमें अरेस्ट किए जाएंगे। हाँ, एक बात हो सकती है कि कोई पुलिस किसी और कारणों से जो किसान लीडर्स हैं उनको हो सकता है कि फिजिकली अरेस्ट ना करें, उनको विदाउट अरेस्ट भी चार्जशीट कर सकती है। एक तरफ दिल्ली पुलिस जोर शोर से जांच में जुटी है तो दूसरी तरफ FIR दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फेक न्यूज ट्वीट करने की वजह से इन सभी पर मामला दर्ज किया गया है। इस बीच गृह मंत्रालय के आदेश पर गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान इन तीनों बॉर्डर के आसपास के इलाकों की भी इंटरनेट सर्विस बाधित रहेगी, जबकि हरियाणा सरकार ने भी कई शहरों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट और SMS को बंद करने का आदेश दिया है। हम डिमांड करते हैं कि जहां जहां भी संघर्ष हो रहा है उस इंटरनेट को बहाल किया जाए, वरना लोग जो है इसके खिलाफ भी अपने प्रदर्शन देश में शुरू करेंगे। फॉरेंसिक टीम से लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में है, वहीं कांग्रेस को षड्यंत्र की बू आ रही है। जब हम लाल किला में जाते हैं तो हम भी कई बार गए, तो
तो वहाँ लाल किला में अंदर चढ़ के कोई पहुँच जाए, जब तक इनको इजाजत नहीं मिली होगी तब तक ये हो ही नहीं सकता। देश को इंतजार है उन उपद्रवियों की गिरफ्तारी का, जिसकी वजह से देश के नाम और सम्मान पर कभी ना मिटने वाला दाग लगा। जांच जारी है, देखना यह है कि हिंसा करने वाले कब सलाखों के पीछे जाते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।